क्वेश्चन 26 है, अफाफ ने भी यही पूछा है और जानजेब ने भी यही पूछा है, एमसीक्यू 26। चलें डायरेक्ट एमसीक्यू 26 पे चलते हैं, फिर कुछ एक बच्चे ने मल्टीपल स्टेटमेंट में से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैं करा दूंगा आपको। और किसी ने थ्योरी में से कुछ पूछा है क्वेश्चन, अपने जो चैट है उसको एवरीवन पे रखें ताकि बाकी बच्चों को दिख जाए कौन से क्वेश्चंस पहुंच गए, ताकि अगर उनका कॉमन क्वेश्चन है तो वो ना पूछें। जी ये क्वेश्चन 26 पूछ रहे हैं, ये कैसे होगा मैं समझा रहा हूँ आपको। इसका पीछे आंसर गलत है, अगर आप इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं कि पीछे आंसर वो है, तो आंसर डी है इसका। अगर आपकी कंफ्यूजन यही है, अफाफ बेटा जरा माइक अनम्यूट करके बताएं आपकी कंफ्यूजन यही है सिर्फ। जी सर, आपका आंसर डी आ रहा था इसका। सर रिएक्शन फास्टर होना चाहिए ना, कंसंट्रेशन बड़ी है। कंसंट्रेशन कम हुई है, रिएक्शन स्लोअर है। कंसंट्रेशन पहले 1 मोलर थी, ये थी पहले, ठीक है, पहले 1 थी बाद में 0.5 हो गई है, तो बढ़ी कैसे? जी अफाफ सर वो शायद ये कहना चाह रही है कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़े हैं बाय 0.03 बाय 0.05, और लेकिन क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है तो इस वजह से रिएक्शन स्लो होगा, am I correct? वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं होता रिएक्शन का, रिएक्शन की स्पीड का ताल्लुक कंसंट्रेशन से होता है। कंसंट्रेशन कम हुई है, 1 मोलर से 0.5 मोलर हुई है, रिएक्शन स्लो होगा। स्पीड का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और इसका आंसर डी है, पीछे सी दिया हुआ है, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मोल ज्यादा हैं, 0.03 मोल्स हैं और फर्स्ट स्टेप में 0.025 मोल्स हैं। जी क्वेरी क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। अच्छा इसके अलावा क्वेश्चन आया है 33 और 34 पूछा है, तो मैं वो कराता हूँ, फिर सेक्शन बी में चलाता हूँ। आखिरी के कुछ क्वेश्चंस पीछे गलत हैं, मतलब आंसर्स उनके, इस वजह से शायद आपको इशू हो रहा हूँ। 33 आपने पूछा है, अ केमिकल कंपनी यूज्ड अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल प्रोसेस, द कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड नॉट टू यूज द कैटलिस्ट बट टू इंक्रीज द टेम्परेचर, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एज इट वॉज वेन द कैटलिस्ट वॉज यूज्ड। Which statement about the new conditions compared to the original conditions are correct? कहने catalyst हटा देने से और temperature बढ़ा देने से क्या होगा? Activation has been decreased. ये गलत है, activation energy has been increased सही है, क्योंकि catalyst हटा दिया ना आपने, पहले था। B answer है। Successful collision कम ज्यादा तो हो नहीं सकती क्योंकि उसने लिखा हुआ rate same है, तो successful collision उतनी हो रही होंगी, जब rate same है successful collision तो उतनी होंगी जितनी पहले थी। जी आयशा समझ में आया आपको? जी सर। और 34 पूछ रही हैं। 34 में अक्सर बच्चे ना स्पेसिफिसिटी के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, वो आपसे पूछ रहा है कि स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है। तो अक्सर बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये ए क्यों नहीं है, एंजाइम्स तो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और ये डी क्यों नहीं है और सी क्यों नहीं है कि एंजाइम एक्टिवेशन है जी लोअर करते हैं। ये दोनों बातें सही हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, और ये बात भी ठीक है कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं, पर सवाल क्या है? सवाल है स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है। ये तो वो बात है कि मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है और सारे फैक्ट्स हमारे सामने आ जाएं कि भाई आपकी हाइट इतनी है, आप यहाँ रहती हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस, ये सब चीजें सही हैं आपकी भाई, पर सवाल का जवाब तो आपका नाम ही होगा ना। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि बहुत स्पेसिफिक होके काम करना, जनरलाइज्ड होके काम नहीं करना, यानी कि कैटलिस्ट जो एंजाइम्स होते हैं वो कुछ ही चंद ही रिएक्शंस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, बाकी हर एक पे नहीं करते। तो वो डी में लिखा हुआ है, माल्टेस ओनली स्पीड्स अप स्मॉल नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब है स्पेसिफिक होना, डी आंसर है। ठीक है आयशा? ओके सर। इसके बाद आप लोगों की क्वेरीज खत्म हो गई हैं, फिर अब्दुल्ला जो हैं वो 3, 4, 7, 8 पूछ रहे हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स के। 3, 4, 7, 8
जी अब्दुल्ला भाई माइक अनम्यूट कर ले जरा। यस सर, बताएं क्या कंफ्यूजन है थ्री में। सर जी मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन टू पूछना था। अच्छा मैं कराता हूँ पहले अब्दुल्ला की, जरा 3 4 7 8 करा दूँ। जी अब्दुल्ला सर मुझे तो सर इसमें बता दें कि ये थ्री में है सिर्फ वन कैसे सही है। मुझे तो इसमें मतलब टू भी तो सही होगी, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा एनर्जी का, मतलब डीएक्टिवेशन एनर्जी से जिनकी ज्यादा एनर्जी होगी। इसमें आपसे पूछा हुआ है व्हाई डज रेजिंग द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर कॉज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेशर बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ता है। मोर कोलिजंस अकर पर सेकेंड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ये तो होता है सही। मोर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये नहीं होता क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी तो बेटा सिर्फ कौन चेंज करता है, टेम्परेचर या कैटलिस्ट ना। अच्छा ठीक, और रेजिंग द प्रेशर लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी तो हो ही नहीं सकता, ये तो कैटलिस्ट करता है सर। 2 and 3 है ही नहीं, ए आंसर 1 आंसर है, डी आंसर बनेगा इसका। अच्छा ओके सर जी, इसके बाद आप क्या पूछ रहे हैं 4। यस इसमें T1 जो है ना वो लोअर टेम्परेचर है और T2 हायर टेम्परेचर है सही है जी। कौन सी बात सही है। द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज बिटवीन E1 एंड E2 एट टेम्परेचर T2 सही है। शेडेड एरिया प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है विद एनर्जीज, बिल्कुल सही बता रहे हैं। वन तो ठीक है कि E1 और E2 के दरमियान कितने लोग वो हैं मॉलिक्यूल्स हैं, T2 वाले ग्राफ के लिए बता रहा है। No particle has zero energy at either temperature. ये बात तो ठीक है, origin से start हो रहा है graph. No particle has zero energy. Zero energy. बताया था ना, जब origin से graph start होता है इसका मतलब यही होता है। T2 is the lower temperature. नहीं, T2 is the higher temperature. तो 1 and 2 सही है, 3 गलत है। अच्छा B answer होगा इसका। अब 7 पूछ रहे हैं आप। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट 1 and 3 में यूज होता है हेट्रोजीनियस। पहला वाला हेबर प्रोसेस है, इसमें आयरन यूज होता है। इसमें तो आयरन यूज होता है ना, हेबर नहीं। हाँ इसमें हेबर में आयरन यूज होता है। दूसरा कांटेक्ट प्रोसेस है, इसमें V2O5 डाइवैनेडियम पेंटोक्साइड यूज होता है V2O5। और तीसरा वाला कैटेलिटिक कन्वर्टर है, इसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज होता है। तीनों हेट्रोजीनियस की एग्जाम्पल पढ़ाई है क्लास में आपको। चले आपकी क्वेरीज हो गई। अब आप पूछ रही थी आयशा 2। जी सर। 2 में एक्सपेरिमेंट 2 का जो ग्राफ है ना उससे शो हो रहा है कि इसका रेट कम है, क्योंकि जितना ग्रेडियंट नीचे होता है ना उतना रेट कम होता है, ये बात पता है आपको। जी एक्सपेरिमेंट 1 फास्टर, एक्सपेरिमेंट 2 स्लोअर है सही है। जी सर ऐसा क्यों हुआ होगा। अ लोअर प्रेशर वॉज यूज इन एक्सपेरिमेंट 2, बिल्कुल ठीक, क्योंकि रिएक्शन गैसेस के दरमियान है ना। ऊपर देखें P+Q गैस है, तो गैस का अगर प्रेशर कम करोगे तो रेट कम हो जाएगा। दिस कुड बी अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। हमें कोई ऐसी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ढूंढनी है जिससे रेट कम होना जस्टिफाई हो जाए। 1 ठीक है, ये बात समझ में आई। 1 ठीक है ओके नहीं समझ में आई ओके नहीं नहीं बेटा, जब आप प्रेशर कम करेंगे तो रेट के साथ क्या होगा, रेट डिक्रीज करेगा। ये तो एक्सपेरिमेंट 2 इसलिए हो गया होगा, एक्सपेरिमेंट 2 में रेट कम क्यों हो गया होगा, क्योंकि उसका प्रेशर कम होगा। वजूहात पूछ रहा है वो कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं 2 में, हो सकता है उसका प्रेशर कम हो। आधी समझ में कैसे सवाल क्या पूछना चाह रहे हो।
जी समझ आ गई। हो सकता है उसने एक्सपेरिमेंट 2 में डिफरेंट कैटलिस्ट यूज किया, वो जितना एफिशिएंट ना हो जितना पहला वाला था। हाँ ये भी हो सकता है। 3 नहीं हो सकता क्योंकि ये एस प्रोडक्ट है, वो कह रहा है प्रोडक्ट रिमूव कर रहा हूं, प्रोडक्ट से रेट का क्या ताल्लुक है, रेट का तो रिएक्टेंट से ताल्लुक होता है ना। जी 1 and 2 सही है, 3 सही नहीं है। ओके आ गया समझ। एहतेशाम भाई ने क्वेश्चन 38 पूछा था पीछे में से। जी एहतेशाम भाई इसके अंदर ये तुम क्लास में पूछ रहे हैं इसलिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा अभी, ठीक है। और थ्योरी में क्या पूछ रहे थे आप, थ्योरी में आपने पूछा था क्वेश्चन 2B3, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 B3। ये वाली मतलब जी हेलो, तो एहतेशाम भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर ये मैंने ऊपर वाला कर दिया है, रेट वाला यील्ड वाला नहीं समझ आ रहा, वो समझा दे। यील्ड का ताल्लुक ना इक्विलिब्रियम के टॉपिक से, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से वो साइड फेवर होती है जहां गैस के मोल्स कम हो, वो याद है आपको ओलेबल्स में टॉपिक इक्विलिब्रियम। थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगे तो ये हो जाए शायद, वो अभी दिमाग में ये हम पढ़ेंगे अभी, आप इसके बारे में फिक्र नहीं करो क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ना इक्विलिब्रियम वो यही है टॉपिक। ये ना करें अभी छोड़ें, मतलब अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, रेट आगे कवर हो जाएगा ये। सही है, सही है। किसी बच्चे की कोई और क्वेरी बची है? फोर का सर लास्ट वाला पार्ट भी करवा दें, सी। इसके अंदर आपसे पूछा है एनर्जी चेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। एनर्जी चेंज कहते हैं डेल्टा एच को, किसको? डेल्टा एच, तो ये बी है, ये बी जो है ना डेल्टा एच है, ये एनर्जी चेंज है बी। और फिर एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी ए होगी, ये ए जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी जब कैटलिस्ट नहीं है। और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फर्स्ट स्टेप इन द डीकंपोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज सी, ये सी है पहले स्टेप की। तो इसमें ये 2 बार कर्व क्यों बन रहा है सर? 2 बार कर्व इसलिए बन रहा है क्योंकि ये 2 स्टेप्स में होता है प्रोसेस। पहले स्टेप में जो आपका कैटलिस्ट है ना NO2 होता है ना इसका कैटलिस्ट, पहले स्टेप में NO2 अपनी ऑक्सीजन SO2 को देता है, ये पार्ट सी है, सी में ऐसा हो रहा है। फिर वो NO बन जाता है, फिर NO क्या करता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उससे ऑक्सीजन वापस लेता है। तो जब कोई रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगा तो उसमें इस तरह से 2 एक्टिवेशन एनर्जीज दिखेंगे आपको बीच। सर आंसर में इसका डी लिखा हुआ है। किसका? यही जो जिसका आपने सी बताया उसका डी लिखा हुआ है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फर्स्ट स्टेप इन, अच्छा मैंने गलत पढ़ा, आगे बोल्ड में लिखा हुआ है डीकंपोजिशन, इन द डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है SO3 को तोड़ना, यानी कि रिवर्स जाना है, यानी कि पूछा है रिवर्स रिएक्शन का SO3 से SO2। SO3 से SO2 में तो फर्स्ट स्टेप डी हुआ ना, पहला स्टेप डी हुआ, SO3 की डीकंपोजिशन करनी है, SO3 से SO2 जाना है, तो डी हुआ आंसर। जो वर्ड डीकंपोजिशन लिखा है ना बोल्ड से, ये
इसका मतलब है SO3 को तोड़ो, मतलब SO3 से रिवर्स जाओ, समझ में आई? जी आयशा समझ में आई बेटा? नहीं सर मुझे नहीं समझ आ रही। बेटा ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें रिएक्टेंट कौन है? SO2 है प्लस ऑक्सीजन। जी और जब मैं कहूंगा ना डिकम्पोजिशन ऑफ SO3 तो रिएक्टेंट SO3 बन जाएगा और SO2 प्रोडक्ट होगा उसका, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का वो लाइन मेजर होती है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की लाइन एंथैल्पी चेंज होती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से टॉप तक की वैल्यू होती है। जैसे ए जो है ना, ए क्या है, ए जब SO2 SO3 में जा रहा है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है जब कैटलिस्ट नहीं है। सी क्या है, सी जब SO2 SO3 में जा रहा है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जब कैटलिस्ट है जी। और बी क्या है, बी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज है। E क्या है, E SO3 से जब SO2 ऑफिस बनेगा, उसकी जो है जब SO3 से SO2 ऑफिस बनेगा तो उसकी एनर्जी है जब कैटलिस्ट नहीं है जी। और D जो है वो SO3 से SO2 की एनर्जी है जब कैटलिस्ट है। तो इस पार्ट में पूछा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फर्स्ट स्टेप इन डीकंपोजिशन ऑफ SO3 इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो वो D हुआ। सही समझ आ गया। अच्छा जी सबको क्लियर है बेटा ये? अच्छा चले ठीक। किसी और को कोई सवाल? आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस आज यहीं तक रखते हैं, फिर जब आप स्कूल आएंगे कल तो कल नया टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।